हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनसी वेब में अगर आपको सेकंड कट ऑफ में एडमिशन लेना है एंड अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो फीस पे आपको कब करनी है। काफ़ी बच्चे हैं जिनके मन में डाउट आ रहा है कि हमने अप्लाई कर दिया है, कॉलेज का नाम भी फिल कर दिया है, बट फीस पे करने का ऑप्शन नहीं आया, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि उनका एडमिशन हुआ है या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ीस पे का ऑप्शन आपके पास कल आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके में जब उन्होंने चेक किया तो उनके में फ़ीस पे करने का ऑप्शन तभी आ गया था या फिर आज आ गया होगा, कई स्टूडेंट्स की उसमें उन्होंने जब चेक किया होगा। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, तो उनके कल यानी कि 6 नवंबर 2022 को फ़ीस पे करने का ऑप्शन उनके पास आ सकता है, ठीक है। तो आपको तभी फ़ीस पे करनी है 6 नवंबर 2022 को। एंड अगर आपके उसी वेबसाइट पर आपने चेक किया है एंड फ़ीस पे का ऑप्शन आ चुका है तो आप आज भी अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, बट आपको 6 नवंबर से ज़्यादा डिले नहीं करना अगर आप सेकंड कट ऑफ में ही एडमिशन लेना चाहते हैं एंड आपको फ़ीस पे करनी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप 7 नवंबर को कर दें या फिर 8 नवंबर को, क्योंकि 6 नवंबर जो है वो फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है। अगर आपने 6 नवंबर को यानी कि कल फ़ीस पे नहीं की तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जाकर चेक कर लीजिएगा उसी पोर्टल पर, अगर फ़ीस पे का ऑप्शन आज आ गया है तो आप आज पे कर दीजिए एंड अगर नहीं आया है तो आपके पास फ़ीस पे करने का ऑप्शन कल तक आ ही जाएगा, ठीक है। कल सुबह आप फ़ीस पे कर दीजिएगा, बट कल से ज़्यादा डिले आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 7 नवंबर या 8 नवंबर को फ़ीस पे करने की सोची, डिसाइड किया, तो आप फ़ीस पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एडमिशन फ़ी कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कल ही फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2022 को, ठीक है, यानी कि कल। तो आप कल जाकर फीस पे कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो है उनके मन में ये भी डाउट आ गया है कि उन्होंने सेकंड कट ऑफ आने पर अप्लाई तो कर दिया है बट वो सोच रहे कि उनको थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल जाए थर्ड कट ऑफ में वो एडमिशन ले ले। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप कोई रिस्क मत लीजिए। अगर आप सेकेंड कट ऑफ में अप्लाई कर चुके हैं तो आप सेकेंड कट ऑफ में ही कोई कॉलेज डिसाइड करके, कोई कॉलेज चूज करके उसमें एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सेकेंड कट ऑफ में अप्लाई कर चुके हैं एंड फिर भी आप थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं लेते तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, हो सकता है कि आपको फिर थर्ड कट ऑफ में भी एडमिशन ना मिले, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई कर दिया था एंड अब उनका सेकंड कट ऑफ में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी आपको कि अगर आप सेकंड कट ऑफ में अप्लाई कर चुके हैं तो आप सेकंड कट ऑफ में ही एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपकी इच्छा हो, थर्ड कट ऑफ का वेट मत कीजिए, ठीक है। अगर आप सेकंड कट ऑफ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ, एंड जिन्होंने सेकंड कट ऑफ में अप्लाई नहीं किया है तो फिर वो थर्ड कट ऑफ का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही एनसी वेब से जुड़ी सारी जानकारी आपको देते रहे।